इस चेहरे को गौर से देखिए, जिनके हाथों में हथकड़ी है। भाई साहब प्यार करने चले थे, वो भी सोशल मीडिया पर, और जाल में ऐसे फंसे कि जेल का दरवाजा देखना पड़ गया। मुजफ्फरपुर की कटरा रजिस्ट्री कार्यालय से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट के हनी ट्रैप में आकर भारत के सरकारी गोपनीय दस्तावेज भेजने के आरोप में मुजफ्फरपुर जिले के कटरा रजिस्ट्री कार्यालय के क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी रवि चौरसिया रक्षा मंत्रालय के भारी वाहन निर्माण कारखाना आवाड़ी चेन्नई में तैनात था। केंद्रीय जांच एजेंसी की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने लिपिक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला आईएसआई एजेंट के प्यार और पैसे के लोभ में गोपनीय सूचना तथा दस्तावेज भेजने के आरोप में मुजफ्फरपुर के कटरा रजिस्ट्री कार्यालय से लिपिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी रवि चौरसिया रक्षा मंत्रालय के भारी वाहन निर्माण कारखाना आवाड़ी चेन्नई में कार्य करता था, लेकिन वर्तमान में कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में लिपिक था। आरोपी पैसे के लालच में देश की प्रतिबंधित गोपनीय एवं संवेदनशील सूचनाओं को शेयर करता था, जिसके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ है। साथ में मेमोरी कार्ड भी जब्त की गई है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कई गोपनीय दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि इन सूचनाओं को सुरक्षित कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में आवाड़ी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था LDC के पोस्ट पर, वहां से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहां से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर, और इसी मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया, इंट्रोगेशन से हम लोगों को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार पर अरेस्ट किया गया। सर आपका कितना पैसा सर ले चुका है सर? अभी तक के इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हम लोग बाकी दूसरी एजेंसी से भी शेयर करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सीज करेंगे, अकाउंट सीज करेंगे, सभी जी अकाउंट भी सीज करेंगे और बाकी जो चीजें हैं उसको भी जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और वेरीफाई करा जाएगा। प्रेम जाल में फंसकर उसने अपने मोबाइल से तस्वीर और गोपनीय दस्तावेज आईएसआई एजेंट को दिया था। इसके बदले में उसने ऑनलाइन पैसे भेजे थे। SSP जयंतकांत ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लिपिक से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी की सूचना सुरक्षा एजेंसी को दे दी गई है। आरोपी बिहार के मुंगेर के नया गांव जमालपुर का रहने वाला है। फिलहाल उस पर कानूनी कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।